हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलाक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको होम थिएटर के स्पीकर को रिपेयर करके बताएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो मेरे सामने ये दो सैटेलाइट स्पीकर पड़ा हुआ है। तो 90% दोस्तों यही होम थिएटर को जो पिन होता है उसमें यही प्रॉब्लम आता है। जैसा कि देख सकते हैं, ये RCA सॉकेट के अंदर के टूट जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर ये टूट जाने के बाद क्या होता है कि इसको सिंपली हटा के और डायरेक्ट इसमें RCA सॉकेट में डाल के बजाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मात्र 2 रुपया में आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये मैं आपको जैसा बताऊंगा वैसा आप रिपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों हाँ, जैसे कि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर मेरा 2 स्पीकर काम कर रहा है या 1 स्पीकर काम कर रहा है और 2-3 स्पीकर काम नहीं कर रहा है, बाकी मेरा IC भी सही है, RCA सॉकेट भी सही है। तो जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ से प्रॉब्लम हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे वायर टूटा हुआ रहता है तो इसके वजह से भी आपका साउंड नहीं देता है, इसका भी प्रॉब्लम होता है। और जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पिन जो है आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल आपको सही दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों, लेकिन ये भी ख़राब है। आप ध्यान से देखेंगे इसके अंदर अंदर वाले ये जो पिन आपको दिख रहा है, ये टूटा हुआ रहता है। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, ये टूटा हुआ रहता है। डायरेक्ट यहाँ पे निकालने और डालने के चक्कर में यहाँ पे ये टूट जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ऐसे तो हमें दिखाई देता है कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन जब RCA सॉकेट में हम यहाँ पे इसको लगाते हैं तो इसी वजह से हमारा वहाँ पे अच्छा से उसको पकड़ नहीं हो पाता है, इसको कनेक्शन नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से वहाँ पे आवाज़ नहीं दे पाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसा कि ये भी प्रॉब्लम होता है, तो इसके वजह से भी आवाज़ नहीं देता रहता, तो इसको भी चेक कर ले। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसका ख़राब हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो इसको रिपेयर करेंगे कैसे, कि बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। आपको मार्केट में आपको मेल RCA सॉकेट मिल जाएगा। जैसा कि आप बोलेंगे कि मुझे मेल RCA सॉकेट चाहिए होम थिएटर के स्पीकर में लगाने के लिए, तो आपको वो दे देगा। तो यहाँ पर मैंने 2 रुपया बोला है, लेकिन आपको ये 1.5 रुपये में मिल जाएगा। अगर ज़्यादा क्वान्टिटी में लेंगे तो 1-2 दर्जन लेंगे तो आपको 1 से 1.5 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर 1 पीस लेंगे या 2 पीस तो वो 2 रुपये में ही आपको लगाएगा। और ये देख सकते हैं, अच्छा क्वालिटी का है यहाँ पे, इससे भी अच्छा क्वालिटी आता होगा, सब वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ मैंने लोकल मार्केट से ही लिया है, ये मुझे मात्र 1.5 रुपये में पड़ गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हमें क्या करना है सिंपली, और हाँ दोस्तों, अगर इसको लगाने के टाइम में ध्यान रखना होगा माइनस प्लस का, ठीक है। अगर सिंपली अगर बोलते हैं ये तो बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं दोस्तों। लगाने के टाइम में माइनस प्लस को ध्यान रखना होगा कि कौन सा हमारा माइनस है कौन सा प्लस है। तो यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना होगा, जो पहले वाले वायर होगा उसको यहाँ से सिंपली तोड़ के हटा देना होगा। और यहाँ पर इस दोनों वायर को हमें क्या करना होगा, ये जो इसका जो कवर है, सबसे पहले हम इसको इसमें डाल लेंगे, इस वायर को अंदर में डाल लेंगे। होगा कि इससे अगर इसको लगाएंगे, पहले इसको लगा लेंगे तो इसको डालने में दिक्कत होगा, इसलिए पहले हम इस वायर को इसमें लगा लेंगे, ठीक है दोस्तों। और फिर हम इसको पहले में इसको सोल्डिंग करके इसमें लगाने से पहले क्या होगा दोस्तों, कि इसका जो साइज होगा, ये बीच वाला जो देख रहा है दोस्तों, ये प्लस होगा, ठीक है दोस्तों। मतलब ये बीच वाला, ये जैसा कि यहाँ पर पिन दिख रहा है आपको, ये बीच वाला जो आपको दिख रहा है ये छोटा सा पिन है, और जो बाहर वाला है ये बड़ा वाला पिन है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, वायर में आपको एक वाइट सा पट्टी दिखता होगा, यहाँ पे ये वाइट सा जो पट्टी आपको दिख रहा है ये माइनस है, ठीक है दोस्तों। और जो बिल्कुल काला पट्टी है वो प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सिंपली ऐसे करके जो हमारा प्लस वाला होगा उसको हम बड़ा रहने देंगे, और जो माइनस वाला होगा उसको हल्का छोटा कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसा कि छोटा बड़ा है, तो उसी प्रकार से हम इसमें सोल्डिंग करेंगे। तो चलिए हम आपको एक सोल्डिंग करके दिखाते हैं, आपको उसी तरीक़े से इसको सोल्डिंग करना है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने सोल्डिंग आपको कुछ इस प्रकार से करना है। जो यहाँ व्हाइट वाला पट्टी दिख रहा है आपको, वो छोटे वाले जो बीच वाला पिन है उसमें करना है, और जो यहाँ पर ब्लैक वाला सिर्फ पट्टी होगा उसको सिंपली इस वाले में कर देना होगा। तो ये हमारा सही हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम इसको अब चेक करके बता देते हैं आपको। तो यहाँ पे हम इसको चेक करके बता देते हैं, जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा बिल्कुल सही हो गया। ऐसे ही हम दोनों को सोल्डिंग करके और डायरेक्ट यहाँ पे सिंपली इसको हम लगा लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मेरा बिल्कुल कंप्लीट हो गया, जैसे कि देख सकते हैं, ये पहले वाला है और ये
अब वाला है दोनों में कितना का अंतर हो चुका है, और ये बहुत अच्छा देखने में भी लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे प्रॉब्लम को आप दोनों में ऐसे ही लगाकर रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।